ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो यार आज है संडे और अभी वक्त हो रहा है 10:50, और आप लोगों को पता है जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि आज मेरा पोएट्री इवेंट है। तो आज व्लॉग तो नहीं हो रहा, मोटो व्लॉग तो नहीं हो रहा, बट हाँ मैं जहाँ पोएट्री परफॉर्म करने जा रहा हूँ वहाँ का आपको व्लॉग करके दिखाऊँगा, और वहाँ आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा स्टेज है, कैसा स्टूडियो है और कितने लोग आते हैं और क्या मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बट उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले मैं गया था अनकहे जज्बात पे, वहाँ परफॉर्म करके आया था, और उसके बाद मैं गया था द सोशल हाउस पे, वहाँ पर भी परफॉर्म करके आया था। और जो आप लोगों में से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है ये बात, बट आज भी भाई सही बताऊँ मेरी पिछले दिनों तबीयत थोड़ी नाशाद थी, ठीक नहीं थी तबीयत, जिसकी वजह से मैंने भाई तैयारी के नाम पर ना कुछ भी नहीं किया है। तो हेजिटेशन है, डर भी लग रहा है कहीं कुछ मैं भूल ना जाऊं और परफॉर्म सही से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो एक मन में थोड़ी सी आज डर है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी मैं यहां पर हूं ओखला में, और अभी मैं जा रहा हूं सर्विस सेंटर, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां जहां पर ये साइलेंसर है ना, वहां पर ये वाला एक नट निकल के गिर गया है, तो इसे लगवाना है पहले, क्योंकि ये हिल रहा है, साइलेंसर हिल रहा है, तो पहले ये लगवाएंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो जल्दी से पहले ये नट लगवाते हैं, देन उसके बाद जल्दी से चलते हैं स्टूडियो, क्योंकि 11 बजे इवेंट शुरू हो जाएगा और अभी 10:50 यहीं पर हो चुके हैं, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, पहले वो नट लगवाते हैं, देन उसके बाद जल्दी से चलते हैं वहाँ पर, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं स्टूडियो और कैसे कितने लोग आते हैं वहाँ पर और कैसा स्टूडियो है, ये सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर चलकर दिखाते हैं। जल्दी से चलो। कृपया यहाँ पर हेलमेट ना रखें, और हेलमेट ही रखा हुआ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं, और ये हैं दुष्यंत भाई, पोएट्री ऑर्गेनाइजर। सॉरी भाई इतना लेट होने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो सारे लोग रास्ते में, कोई नहीं आया, यानी कि मैं जल्दी आ गया, मुझे तो लग रहा था मैं लेट हो गया, तो ये जानकर अच्छा लगा कि अभी तक कोई नहीं आया और मैं जल्दी आ गया।
सो फाइनली गाइज, वक्त हो गया है 2:30 और इवेंट हो गया है ख़त्म। तो आज यहाँ पर दो इवेंट हैं, एक इवेंट जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 11 से 2 बजे तक, और दूसरा इवेंट है 2 से 5 बजे तक का जो अभी चल रहा है, बट मैं उसके लिए नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आया ही नहीं है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा लोग आ गए कि भाई वहाँ जितनी भी चेयर्स थी वो सारी तो फुल हो ही गई, लोग खड़े थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे दो इवेंट के वजह से। तो लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, बहुत मज़ा आया। और मेरी पोइट्री कब और कहाँ आएगी ये मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूज़र नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, और काफ़ी और सही बताऊँ मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत फ्लो में बहुत इजीली मैंने परफॉर्म कर दिया, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा कि ये वीडियो कब और कहाँ आएगी। गाइज, बाइक हमने लगा दी है पार्किंग में, तो आओ जुबैर भाई चलो चलते हैं। तो यार आज मुझे अपना ही नाम बार बार रिपीट करने में ना अलग ही मज़ा सा आ रहा है। तो ये मेरे नए ग्लव्स जिनका उद्घाटन आज मैंने कर दिया है, और ये मेरे नए नए पैंट नए नए शूज़ के साथ। तो यार अभी चलते हैं जल्दी से और कुछ खाते हैं। अभी हम आए नेहरू प्लेस और यहाँ पर चल रहा है रेनोवेशन, और भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 3:40 हो चुके हैं, यानी 2:30 हम निकले थे और 3:40 हो रहे हैं, यानी ऑलरेडी हमने 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया और भूख के मारे जान निकली जा रही है। और भाई नेहरू प्लेस में जब भी आता हूँ ना तो मैं यहाँ पर ज़रूर खाना खाता हूँ। अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे नाक की सीध में, तो हमें एक कट मिलेगा राइट हैंड में, तो वहाँ पर आता है पंजाबी ढाबा, और वहाँ का टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर चल के हम खाना खाने वाले हैं। और आप लोगों को तो पता ही है मेरा ऑल टाइम फेवरेट पनीर, तो मैं पनीर कहीं कुछ आइटम खाने वाला हूँ। चलो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है और हम क्या खाने वाले हैं। सो अभी जुबैर भाई ने भी ऑर्डर कर दिया और मैंने भी ऑर्डर कर दिया है। जुबैर भाई ने किया है छोले राइस ऑर्डर, और मैंने किया है शाही पनीर विद राइस, क्योंकि मेरा तो पनीर फेवरेट है। बिना देर किए हुए भाई के छोले राइस भी आ गए हैं और मेरा शाही पनीर राइस भी आ गया है, तो जल्दी से इसे खाते हैं। सो गाइस, 4 बज गए हैं और हालत बहुत ख़राब हो गई है गर्मी से, और ट्रैफिक में तो वैसे भी हालत ख़राब हो ही जाती है। तो जुबैर भाई कैसा लगा आज का दिन? आज बहुत अच्छा लगा, नए लोगों मिलने को मिले, और जिनसे हम मिले और हमने सीखा कुछ। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज हम भी गए वहाँ इवेंट में गए, और भाई तो करते रहते हैं इनको। जुबैर भाई फर्स्ट टाइम गए थे किसी पोइट्री इवेंट में, है ना? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ। हाँ। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मज़ा आया यार बहुत ज़्यादा। ऑडियंस बहुत अच्छी थी, सुनने वाली ऑडियंस थी, बहुत अच्छी कोऑपरेटिव थी, मज़ा आया बहुत। वीडियो जैसी आएगी वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूजर नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जुबैर भाई का चैनल का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो तो जुबैर भाई के चैनल को भी आप
जरूर विजिट करना। तो दोनों जुबेर जुबेर है भाई, कंफ्यूज मत होना। क्लास में भी ऐसी कंफ्यूजन थी, इसी वजह से मैंने जे से कर दिया, इनका जेड से रहने दिया। तो चलो जल्दी से जाओ, फॉलो कर लो भाई को भी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, काफी टाइम से मेहनत कर रहा है बंदा यार। तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अभी जल्दी से चलते हैं, पार्किंग से बाइक निकालते हैं और जल्दी से चलते हैं घर। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो बाय बाय।